हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मिड सेशन डीटीएस का जो टेस्ट नंबर 2 है उसके फिजिक्स के पोर्शन का अपन वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चंस हैं नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग, 35 सेक्शन ए में, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में। तो पूरे 50 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन, उनका वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या करें, व्हेन वर्क इज डन ऑन ए बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स इट्स, तो ध्यान से देखना, किसी भी बॉडी पर अगर अपन वर्क डन करते हैं तो ये क्या कर सकता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में चेंज करवा सकता है। तो बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज एक्सलरेशन व्हेन इट क्रॉसेस टू रेडियली परपेंडिकुलर लोकेशंस, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज 8 सेकेंड। तो ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से पार्टिकल यूं चक्कर लगा रहा है, पहले जब पार्टिकल यहाँ पर है इसकी स्पीड कितनी है, वी है, यहाँ पर इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो चेंज इन स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डेल्टा वी इक्वल्स टू 2v साइन थीटा बाई 2, थीटा 90 पुट कर देंगे तो ये अपने पास में कितना देगा, रूट 2v आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना देगा, t बाई 4 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं a एवरेज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो डेल्टा v कितना देगा, रूट 2v अपॉन ये अपने पास में आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो सीधा अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला कह रहा है कि रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर रखा होगा, रॉकेट किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो सीधा इसका हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये कह रहा है कि इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 डाइन्स, इन अनदर सिस्टम वेयर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन दिस सिस्टम। अपन एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि N1U1 इक्वल टू N2U2, यहाँ पर N1 कितना देगा अपने पास में, 100 डाइन हो जाएगा, और डाइन को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2 की वैल्यू यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करनी है। इसके बाद में दूसरा जो यूनिट सिस्टम है इसके अंदर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, किलोग्राम, इसके बाद में मीटर पर मिनट स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, N2 × किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 10^3 ग्राम, मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10^2 सेंटीमीटर, और मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने अपने को N2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट इन द डायरेक्शन एज सोन इन फिगर, द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अपने पास जो फोर्स है इस फोर्स का एक तो कंपोनेंट यह देगा, इसको अपन बोलेंगे 50 cos 60, ये देगा अपने पास है 50 sin 60, तो 50 sin 60 कितना देगा, 50, और sin 60 को क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, ये देगा आपके पास √3/2, और नेट फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, ma, तो 5 × a आ जाएगा। यहाँ से सोल्व कर देंगे तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी, ओके। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इस ब्लॉक को एक्सलरेट करवा रहा है, ओके। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज इन रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज, देखो यहाँ पे जो ब्लॉक है इसको अपन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख रखा है, तो इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो कि mg के बराबर है, और वैसे भी ये मूव नहीं कर रहा तो इस पे नेट फोर्स कितना देगा, 0, तो आंसर इज 0, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या करें, ए पार्टिकल इज मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू,
इंक्रीज इट्स स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए फोर्स अपने रिक्वायर्ड होगा, तो ये ऑप्शन नहीं चाहिए। डिक्रीज द मोमेंटम, मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए भी अपने को फोर्स रिक्वायर्ड होगा। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए भी अपने को फोर्स रिक्वायर्ड होगा। कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अपन बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या देगा, जीरो। तो इस केस में जो फोर्स है वो भी क्या देगा, जीरो देगा। तो इसके लिए अपने को फोर्स नहीं चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इंटरनल फोर्स कैन चेंज, देखो ध्यान से, आपको पता है कि जो इंटरनल फोर्सेज है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवा सकते हैं, बट लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में चेंज के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। क्योंकि अपन इस प्रकार से लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल इक्व टू डी पी अपॉन डी टी, यह देगा अपना एन एल एम सेकेंड हो जाएगा, ओके। तो मोमेंटम में चेंज केवल एक्सटर्नल फोर्स करवा सकता है, तो केवल काइनेटिक एनर्जी, तो द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये कह रहा है रॉकेट ऑफ मास 10 किलोग्राम बर्न्स 0.5 केजी ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, इफ वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट आर 1 किलोमीटर पर सेकेंड, देन इट लिफ्ट्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, देखो ध्यान से, रॉकेट है, इस रॉकेट पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगता है, वी डी एम बाई डी टी, तो वी कितना देगा अपने पास में 1 किलोमीटर पर सेकेंड, तो कितना देगा 10^3 डी एम बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी कितना देगा अपने को 0.1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, तो ये अपने पास है 0.1 हो गया। तो ऊपर की तरफ वी डी एम बाई डी टी लग रहा है थ्रस्ट, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, तो एम कितना देगा बताओ, रॉकेट का मास देगा 10 और जी कितना देगा बताओ 9.8 हो जाएगा। इसको अपन किसके बराबर लिख देंगे, एम ए के बराबर, एम कितना देगा 10 × a, तो यहाँ से अपन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, तो ये कितना देगा 100, ये 98 2, तो ए कुछ तो कितना देगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अभी, ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा यहाँ पे, ओके। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। ये कह रहा है कि इफ मासेज और ब्लॉक ए एंड बी आर 3 kg and 8 kg, ये कितना देगा 3 kg, ये आपके पास 8 kg हो गया रेस्पेक्टिवली, देन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इच, देखो ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले देखो जो ए है, इस ए पर नीचे की तरफ कितना लग रहा है बताओ 30, इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है बी का, और इस पर नीचे की तरफ अपन 5 N का फोर्स भी लगा रहे हैं कि रेस्ट में, तो ऊपर वाला फोर्स कितना देगा एन, और नीचे का फोर्स कितना देगा 30 प्लस क्या देगा 5 इक्वल्स टू क्या देगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 N इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बॉडी ऑफ मास 0.05 kg इज ऑब्जर्व टू फॉल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.5 m/s² द अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर ऑन द बॉडी इज, देखो ये अपने पास इस प्रकार से कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है एम जी, ऊपर की तरफ लग रहा है इस प्रकार से अपोजिंग फोर्स, नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी, ऊपर की तरफ एफ इक्व टू एम इंटू ए हो गया, तो यहाँ से एफ इक्व टू कितना देगा बताओ एम इंटू जी माइनस का ए, एम कितना देगा 0.05, क्वेश्चन में आपको गिवन है, जी कितना देगा बताओ 9.8 माइनस ए कितना देगा बताओ 9.5 हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू अपने पास में न्यूटन में आ जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि मैन वेज 80 kg, ही स्टैंड्स ऑन ए वेइंग मशीन इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 m/s², वॉट विड विद रीडिंग ऑन ऑफ द मशीन, देखो ऐसा है कि अगर लिफ्ट अपवर्ड मोशन कर रही है तो W इक्व टू क्या होता है m इंटू जी प्लस का ए हो जाएगा, m कितना देर का आपको 80 देर का है, इसके बाद में g कितना होता है अभी 10 क्वेश्चन में गिवन है, और a कितना देगा आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा इसका कितना 1200 N, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन
बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज. ये जो कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज होते हैं वो किस में चेंज करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी में. तो ध्यान से देखना, देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में माइनस, इसको अपन बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आ गई बात? ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्सेज का जो वर्क डन है वो क्या करता है भाई, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेज इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या करें. डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन दे रखा है, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड विल बी. देखो अपने को दे रखा है एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर. सबसे पहले यहाँ से वी कैलकुलेट करो, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टी. फिर आपको क्या करना है, टी बराबर जीरो पर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, टी इक्वल टू वन फिर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आ जाएगा. वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर हाफ. बात करते हैं एम, तो एम की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है भाई, वन, और इसके बाद में वी टू स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना देगा फोर माइनस जीरो, तो फोर बाई टू कितना देगा बताओ टू, तो टू इज द आंसर, टू जूल. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं. यहाँ पे फोर्स और एक्स के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है, तो एक्स बराबर जीरो टू एक्स इक्वल टू सिक्स तक आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा अभी, ये जो ग्राफ है इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है. तो वर्क डन इक्वल टू एरिया, क्योंकि एफ और एक्स के बीच में ग्राफ दे रखा है, और एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. यहाँ पर ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ थ्री, और इस वाली साइड की लेंथ हो जाएगी सिक्स. थ्री प्लस सिक्स कितना होता है नाइन, इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ थ्री. तो नाइन नाइन थ्री इज द 27 डिवाइडेड बाई टू 13.5 जूल इज द आंसर. सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाई 800%. तो ध्यान से देखना, देखो मोमेंटम आपको पूछा जा रहा है, तो अपन जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर बाई टू एम. तो पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू के, पी प्रपोर्शनल टू रूट ऑफ के. काइनेटिक एनर्जी को 800% से इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को आपने 9 टाइम्स कर दिया, 9 गुना कर दिया. और 9 टाइम्स करने का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अगर हो जाएगी 9 टाइम्स, तो 9 का रूट कितना देगा बताओ, क्या देगा आपके पास में 3. तो पी डेस इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई, 3 इंटू पी हो गया. तो लीनियर मोमेंटम 3 टाइम्स हो गया, यानी 300 गुना हो चुका है, यानी 200% की इसमें ग्रोथ हो जाएगी. तो आंसर आ जाएगा 200%. अपने को यहाँ पे इंक्रीज पूछा जा रहा है, इंक्रीज, तो 200% इसका आंसर आ जाएगा भी. चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन. क्या करें, इफ ए मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन इज. देखो के डेज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू टू. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर. तो यहाँ पे एम से एम को, टू से टू को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा वी प्लस क्या हो जाएगा टू, रूट कर दूंगा दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट टू इंटू वी, इसको उधर की तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा अभी टू इक्वल टू वी को कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट टू माइनस वन. तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट टू माइनस वन हो गया. अब यहाँ पे देखो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसको अपन क्या करते हैं, देखो ऊपर भी रूट टू प्लस वन से और नीचे भी इसको रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, नीचे देखो रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन, ठीक है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको अपन क्या बोल देंगे बताओ, इसको अपन बोल देंगे टू इंटू रूट टू प्लस वन अपॉन, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 माइनस वन इक्वल टू वन हो गया.
तो आंसर आ जाएगा 2√2 + 2 इज द आंसर. तो 2√2 + 2 थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. 18 क्या करे, ए बॉल लूजेज 20% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वाइल कोलाइडिंग विद ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर टू व्हाट हाइट इट विल राइज. देखो अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है. काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, 1/2 mv², ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है mgh. तो अपन बोल सकते हैं कि k इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू h हो गया, या ऐसे बोल सकते हैं h इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू k. काइनेटिक एनर्जी अगर 20% से डिक्रीज होगी तो हाइट भी 20% से डिक्रीज हो जाएगी. 10 में से 20% डिक्रीज करवा दोगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 8 मीटर इज द आंसर. समझ गए बात आप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वी और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है. अब आपको क्या बोला जा रहा है, फोर्स के द्वारा वर्कडन के पूछा जा रहा है, वर्कडन बाई ऑल द फोर्सेज. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे वी कितना देगा बताओ, 20. यहाँ पे वी कितना देगा बताओ, 0. वर्क डन इक्वल्स टू क्या देगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2. मास आपको पार्टिकल का गिवन है 5. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. इन्हीं से कितना हो जाएगा 20, स्क्वायर कितना देगा 400. तो कितना देगा बताओ, माइनस का 1000 जूल. तो माइनस का 1000 जूल सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या कह रहे हैं, ए रोप ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हैंगिंग ऑन ए टेबल विद 1/4 लेंथ, देन वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल इट ऑन टेबल विल बी. देखो सबसे पहले बात है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एम हैंगिंग इंटू जी इंटू एच हैंगिंग डिवाइडेड बाई 2. तो मास कितना देगा बताओ, 1/4 हो देगा, एम बाई 4 हो गया इंटू जी. हैंगिंग लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, एल बाई 2. तो 2 का बाई को कर देंगे क्या बन जाएगा आपके पास में, सॉरी एल बाई 4 है तो एल बाई 4 का बाई 2 कर देंगे अपन, तो कितना देगा, 8 हो जाएगा. समझ आ गई. तो इसको अपन बोल देंगे एम जी एल डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा. समझ में आ गई बात, क्योंकि ध्यान से देखना. देखो यहाँ पे जो हैंगिंग पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास है वो एच बाई 8 पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अपन काउंट करने वाले हैं. ओके वैसे इंटीग्रेशन करके भी इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो लेंथी प्रोसीजर है. नीट के अंदर अपने को शॉर्टकट जो मेथड है उसी को फॉलो करना चाहिए. चलिए बच्चों आगे चलते हैं. फिर अपन क्या करें, ए मास एम इज लोवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग बाय डिस्टेंस एच एट ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन जी बाई 2 द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग विल बी. तो वह सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ये ब्लॉक एम इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है बताओ, एम जी. ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रहा है, टेंशन. नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, जी बाई 2 दे रखा है. नीचे का फोर्स हो जाएगा एम जी, ऊपर का फोर्स हो जाएगा टी इक्वल्स टू एम. एक्सेलरेशन कितना देगा, जी बाई 2 हो जाएगा. तो यहाँ से टी इक्वल्स टू कितना देगा, सोल्व कर दोगे एम जी बाई 2 आ जाएगा. अब इसके बाद इसको आपने वर्टिकली डिस्प्लेस किया एच, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना देगा, एम जी बाई 2. डिस्प्लेसमेंट कितना देगा भी, एच. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि अपन जानते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो थीटा 180, कोस थीटा कितना देगा, -1 हो जाएगा. ठीक है चलिए आगे चलते हैं अपन. ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल लाइज ऑन ए टेबल, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड टेबल इज म्यू, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन हैंग ओवर द टेबल इन इक्विलिब्रियम. देखो ऐसा है कि अपने पास इस प्रकार से कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर अपन इस प्रकार से कोई एक चेन रख रखी है, ये कोई चेन है, इसका कुछ पार्ट है नीचे की तरफ हैंगिंग कंडीशन में. तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, अब मान के चलेगा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स हो जाएगी. तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, एल माइनस एक्स हो जाएगी. तो इस पर नीचे की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है. कितना फोर्स लगता है बताओ,
एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये तो इसका वेट फोर्स हो जाएगा। इस पर ऊपर की तरफ क्या लगता है बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना देगा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन लिख देंगे, इसका देगा आपके पास नीचे की तरफ एम जी, तो ये कितना देगा बताओ, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू क्या देगा जी। तो इस पर पीछे की तरफ क्या लगता है बताओ, फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन कितना देगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। समझ गए बात आप, तो ये अपने पास एन हो गया, तो फ्रिक्शन एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, फ्रिक्शनल फोर्स है वो एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी को बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। यानी ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से बैलेंस हो देगा, एम बाई एल से एम बाई एल जी से जी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में म्यू एल माइनस म्यू एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा अभी, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स हो जाएगा। एक्स को उधर की तरफ ले जाएंगे तो एक्स ये हो जाएगा आपके पास म्यू प्लस वन इक्वल टू म्यू एल, तो यहाँ से एक्स बराबर म्यू एल अपॉन म्यू प्लस क्या देगा वन हो जाएगा, तो म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपन क्या कह रहे हैं, ए बॉडी टेक्स टाइम टी टू रीच द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा विद अ हॉरिजॉन्टल, इफ द प्लेन इज मेड रफ टाइम टेकन नाउ इज टू टी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रफ प्लेन। देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू होता है टेन थीटा वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, ये फ्रिक्शन वाले चैप्टर में इसका डेरिवेशन भी करवाया जाता है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, टू बाई टू टाइम्स टाइम ले रहा है, तो ये क्या देगा आपके पास टेन थीटा, इसके बाद वन माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर कितना देगा फोर, वन माइनस वन बाई फोर कितना देगा थ्री बाई फोर, तो थ्री बाई फोर टेन थीटा इज द आंसर, समझ गए, तो थ्री बाई फोर टेन थीटा फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर अपन, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.15। तो सुनो ध्यान से देखना, देखो ये जैसे अपने पास में कोई ट्रक है, इसके अंदर अपने इस प्रकार से ये कोई बॉक्स रख रखा है, तो इस बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं देखो ध्यान से, इस बॉक्स पे एक तो पीछे की तरफ तो लगता है सूडो फोर्स लगता है एम ए, एक नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एक इस पर आगे की तरफ लगता है फ्रिक्शन फोर्स लगता है एफ लगता है, तो एफ कितना देगा बताओ म्यू इंटू एन, म्यू एन कितना देगा बताओ एम जी, इसको अपन बैलेंस करवा देंगे किससे एम ए से, एम से अपन एम को कैंसिल आउट कर देंगे, ए इक्वल टू म्यू इंटू जी, म्यू क्वेश्चन में आपको 0.15 दे रखा है, जी कितना ले लेंगे 10, तो आंसर इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर, ओके। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो सबसे बड़ा होता है और जो रोलिंग होता है वो क्या होता है सबसे छोटा होता है, तो बीच में कौन आ जाएगा बताओ काइनेटिक आ जाएगा, ठीक है ना, तो स्टैटिक सबसे बड़ा और रोलिंग क्या होता है सबसे छोटा होता है और बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, टू कार्स ए एंड बी आर गोइंग अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडी आर ए एंड आर बी, इधर टू कार्स कंप्लीट द सर्कुलर पाथ्स इन सेम टाइम, मतलब दोनों का टी सेम दे रखा है, तो आपको एंगुलर स्पीड्स का रेशियो पूछा जा रहा है, अपन जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है टू पाई अपॉन टी, तो टी अगर सेम हो जाएगा तो ओमेगा भी क्या देगा सेम, तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इक्वल टू वन रेशियो वन, वन इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, रेडियस पे कोई डिफेंड नहीं करेगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग इज 64 किलोग्राम फोर्स दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है किलोग्राम फोर्स, इसका मतलब इसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एट विच ए बॉडी ऑफ मास 1/2 kg
कैन बी वाइल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन विद 1/2 meter ऑफ द टॉप स्ट्रिंग। देखो सीधी सी बात है, अगर अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाते हैं तो जैसे मतलब अंदर की तरफ कितना फोर्स लगता है, टी लगता है, बाहर की तरफ कितना फोर्स लगता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो टी ओमेगा इक्वल टू कितना था, 2πn, तो 4π स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू क्या देगा, एम इंटू आर हो जाएगा। तो टी कितना हो जाएगा, 64 किलोग्राम फोर्स। तो किलोग्राम फोर्स कितना होता है अभी, जी के बराबर होता है, 64 इंटू जी, और क्वेश्चन में आपको जी कितना गिवन है बताओ, पाई स्क्वायर गिवन है, इक्वल टू 4π स्क्वायर एन स्क्वायर, एम कितना देर का आपको बताओ 1/2, और आर भी कितना देगा बताओ 1/2। इसके बाद में सोल्व कर देंगे तो इजीली अपने पास में एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, जो भी एन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या करें। ए पार्टिकल क्रॉसेज द टॉप मोस्ट पॉइंट सी वर्टिकल सर्कल विद क्रिटिकल स्पीड, देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज एट पॉइंट ए बी एंड सी इच। इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी बताओ, ये देखिए आपके पास रूट 5gl, यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी होती है बताओ, ये देखिए आपके पास va बराबर क्या बन जाएगा आपके पास रूट 5gl हो जाएगा। vb का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है बताओ, u स्क्वायर माइनस 2gl का रूट हो जाएगा, तो इसको अपन लिख देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, रूट 3gl हो जाएगा। इसी प्रकार से vc इक्वल टू ये क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 4gl का रूट हो जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, रूट जी इंटू एल हो जाएगा, रूट 5 रूट 3 रूट 1, रूट 5 रूट 3 रूट 1 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, द एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आर डिनोटेड बाय ओमेगा वेक्टर वी वेक्टर ए वेक्टर एसी वेक्टर, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, इस प्रकार से सर्कल बना देते हैं अपन, ये सर्कल बना दिया मैंने, ओमेगा की डायरेक्शन होती है एक्सियल, ये ओमेगा इधर हो गया, ठीक है, एसी एसी की डायरेक्शन होती है इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, बिल्कुल सही है, ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये गलत बात हो गई भी। अब ध्यान से देखते हैं, ओमेगा का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है तब तो अल्फा ओमेगा की सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, और अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में जो अल्फा है वो ओमेगा के अपोजिट हो जाएगा, तो ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, या तो क्या होते हैं अभी पैरेलल होते हैं, और या क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं अभी, समझ गए। थर्ड कह रहा है कि ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, सही बात है, ओमेगा वेक्टर एक्सियल होता है और वी वेक्टर क्या होता है टेंजेंशियल होता है, वी वेक्टर एसी वेक्टर, वी वेक्टर इधर हो गया और एसी वेक्टर की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होती है, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, ये गलत तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा, ए मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट 60 meter per second ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1200 meter, इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 5 meter per second स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। चलिए देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं, मोटर कार जा रही है तो सबसे पहले इसके पास में देखो एसी, एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी कितना देगा 60 3600 अपॉन आर कितना देगा बताओ 1200, तो इसको अपन बोलेंगे 3 बोल देंगे। ए टी इक्वल टू क्या होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या देगा 5, ए इक्वल टू क्या देगा एसी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 80 स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना देगा 25, कितना देगा 34, तो रूट 34 इज द आंसर, रूट 34 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें, ए वेटलेस थ्रीड कैन सपोर्ट टेंशन अप टू 50 newton, मैक्सिमम टेंशन इतना बियर कर सकता है ये, ए स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू इट एंड इज रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 meter इन ए वर्टिकल प्लेन, इफ जी आपको गिवन है देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। देखो ऐसा है कि टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होती है, बॉटम पे होती है, ठीक है, यहाँ पे ये टेंशन हो गया, नीचे की तरफ ही तो क्या लगता है बताओ एम जी लगता है, और नीचे की तरफ क्या लगता है बताओ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू
आर लगता है। तो अपन लिख सकते हैं टी इक्व टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। टी 50 गिवन है, एम कितना हो जाएगा 1, तो इसको अपन क्या लिख देंगे 10 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर टू बी कैलकुलेटेड आर इज 2 मीटर। तो क्या बन जाएगा अभी ओमेगा इक्व टू रूट 20 आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। तो रूट 20 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। कार व्हेन पासेस थ्रू ए कॉन्वेक्स ब्रिज एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑन इट विच इज इक्व टू, देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऐसे ब्रिज पे चल रही है, ये कार है, तो इस कार पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना बताओ एम जी, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बाहर की तरफ अपन इस पे अगर अपन इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल भी दिखा देंगे बाहर की तरफ, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं एन इक्व टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ध्यान से देखना, देखो ए बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाई ए मशीन डिलीवरिंग ए कॉन्स्टेंट पावर, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो क्या करें, पावर कॉन्स्टेंट दे रखी है, तो पी इक्व टू क्या होती है बताओ एफ इंटू वी, एफ क्या होता है एम ए इंटू क्या हो जाएगा वी, एम को एम लिख दो वी को वी लिख दो, ए को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ डी वी अपॉन डी टी, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं वी डी वी इक्व टू पी बाई एम इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कर दो तो v का क्या बन जाएगा बताओ v स्क्वायर बाई टू इक्व टू पी डी टी का क्या देगा t पी टी बाई एम हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहाँ से अपने पास में जो v स्क्वायर है v स्क्वायर इक्व टू कितना देगा 2 पी टी बाई एम, इसका अपन क्या कर देंगे बताओ रूट कर देंगे, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1 बाई टू आ जाएगा, और v को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ डी एस अपॉन डी टी, तो यहाँ से डी एस इक्व टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में कोई कॉन्स्टेंट मान लो k, मान लो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा k t की पावर 1 बाई टू इंटू क्या देगा डी टी, कर दो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन, डी एस का इंटीग्रेशन क्या देगा बताओ s बराबर, k का क्या देगा बताओ k t की पावर 1 बाई टू, इसको अपन लिख सकते हैं t की पावर 3 बाई टू अपॉन 3 बाई टू, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर 3 बाई टू, तो t की पावर 3 बाई टू थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और वैसे बच्चों ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके जो क्लासरूम नोट्स है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा, CLC के मॉड्यूल के अंदर भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, USS में सब जगह ये क्वेश्चन मिल जाता है, बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्या करें, ए कार ऑफ 100 HP इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, द फोर्स द फॉरवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंजन ऑन द कार इज, देखिए यहाँ पे अपने को P दे रखा है, अपने को यहाँ पे V दे रखा है, फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली अपन जानते हैं P इक्व टू क्या होता है F इंटू V, तो यहाँ से F आपको कैलकुलेट करना है, तो P अपॉन V आ जाएगा। पावर अपने को दे रखी है कितनी 100 HP, 100 यू नो 1 HP इक्व टू 746 वॉट एंड स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा अभी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे तो अपने पास अब फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन है आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ 2IK प्लस 3JK प्लस 4KK न्यूटन एक्स ऑन ए बॉडी फॉर 4 सेकेंड्स प्रोड्यूस एज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3IK प्लस 4JK प्लस 5 द पावर यूज, तो पावर पी इक्व टू क्या होता है बताओ, ये होता है आपके पास एफ डॉट वी, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं पावर इक्व टू क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 × 4 12 प्लस 4 × 5 20 डिवाइडेड बाई
टाइम कितना देर का आपको बताओ, फोर सेकेंड्स, फोर देर का है। सोल्व कर देना कितना बन जाएगा भाई, 32 प्लस 6 38 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 9.5 वाट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 36 अपन देखते हैं। अब देखो ध्यान से, अपना सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। अब आपके पास में चॉइस है कि इनमें से कोई से भी पांच क्वेश्चन जो आपको थोड़े से टफ लगते हैं, लेंदी लगते हैं, या आपको नहीं समझ में आ रहे, उनको आप स्किप कर सकते हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने करने वाला हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि टू मासेज आर जॉइंट टुगेदर बाई ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ए वर्टिकल फोर्स ऑफ 30 न्यूटन अप्लाइड टू द अपर मास गिव्स द सिस्टम ए कॉन्स्टेंट अपवर्ड एक्सलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, इफ द टेंशन इन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग इज 18 न्यूटन व्हाट इज द लोअर मास। कुछ नहीं, आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, देखो क्या करके है, इस प्रकार से आपको दो ब्लॉक्स बनाने हैं। एक तो ये ब्लॉक हो गया, एक अपने पास है ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, पूरे सिस्टम का जो एक्सलरेशन है ए इक्वल टू आपको 3.2 दे रखा है। अब यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, ये वाली टेंशन कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। ऊपर की तरफ फोर्स आपको कितना दे रखा है, 30 न्यूटन का फोर्स दे रखा है। और फिर उसके बाद में इसका मास कुछ आप एम मान लो। ठीक है ना, इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी, देखो यहाँ पे जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं है, तो जी की वैल्यू यहाँ पर अपन कितने ले लेंगे, 9.8 ही लेंगे। ठीक है ना, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इस पर एम जी लग रहा है। तो चलो इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बताओ, 18, क्वेश्चन में गिवन है टेंशन। नीचे की तरफ कितना देगा एम जी, जी कितना देगा 9.8, तो 9.8 इंटू एम आ गया, एम जी आ गया इक्वल टू एम ए। एम ए कितना देगा 3.2, तो 3.2 इंटू क्या देगा बताओ एम। इसको उधर की तरफ ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपके पास में 13 एम इक्वल टू कितना देगा 18, तो एम इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, 18 अपॉन 13। सोल्व कर देंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 1.38 के समथिंग इसका आंसर आना चाहिए। तो 1.38 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो चलो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं 1.38 इसका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ये कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन इज पुश्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल बाय ए फोर्स 12 न्यूटन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक इज 0.6। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले 12 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कितना देगा, 12 देगा, तो एन भी कितना देगा बताओ 12। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे अपने को टेंडेंसी ऑफ मोशन पता चल जाएगी। तो ये क्या होता है भाई, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना गिवन है आपको 0.6 है और एन कितना देगा 12, तो ये कितना देगा भी 7.2 न्यूटन। यानी 7.2 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर लग सकता है, मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इसका वेट है वो कितना भी 5 न्यूटन है, तो नीचे 5 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो ऊपर जो फ्रिक्शन है वो भी कितना देगा बताओ, 5 न्यूटन ही देगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ये कह रहा है कि ए मशीन गन फायर से बुलेट ऑफ 50 ग्राम एट द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, इफ एन एवरेज फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द गन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट। देखो जी, अपन जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है बताओ, डेल्टा पी अपॉन क्या होता है, डेल्टा टी होता है। तो एफ इक्वल टू डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स इंटू मोमेंटम ऑफ ए सिंगल बुलेट अपॉन टाइम। ठीक है, तो एफ इक्वल टू कितना देर का आपको बताओ, 200 न्यूटन इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स आपको कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ ए बुलेट 50 ग्राम, ग्राम 10^-3 किलोग्राम में कन्वर्ट करना मत भूलना, स्पीड आपको दे रखी 1000, तो इसको अपन बोलेंगे 10^3 अपॉन टाइम। एक मिनट की बात कर रहे हैं तो 60 सेकेंड कर देंगे इसको अपन। ठीक है ना, तो इससे अपन इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये 4 टाइम्स, तो एन इक्व टू क्या देगा, 240 इज द आंसर। तो 240 बुलेट्स पर मिनट विल बी फायर्ड फ्रॉम दिस गन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये कह रहा है, ये तो देखो नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, एक बार अपन जैसे पहले का एबीडी बना लेते हैं, एक बार बाद का एबीडी बना लेते हैं। तो पहले का एबीडी तो अपने को पता है,
देखो भाई, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे नीचे की तरफ 2m प्लस m, नीचे की तरफ 3m लग रहा है, नीचे की तरफ 3m हैंग हो रहा है, तो ऊपर की तरफ कितना खींचा हुआ जाएगा, इसमें 3mg के बराबर खींचा हुआ जाएगा, ठीक है। अब कट कर देंगे, तो कट करने के बाद में क्या हो जाएगा, देखो ये तो अपने पास 2m है और ये अपने पास में क्या हो जाएगा बताओ, m हो जाएगा। तो 2m पे तो स्प्रिंग का फोर्स लग जाएगा, कितना देगा kx, और kx किसके बराबर जाएगा 3mg के बराबर। इक्विलिब्रियम में नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस पर बताओ, 2m लग रहा है, तो ऊपर का फोर्स बड़ा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2m आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो बता दो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 2m कितना देगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2m इक्वल्स टू ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 3mg, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 2mg, तो फोर्स कितना देगा बताओ, mg अपॉन 2m इक्वल्स टू कितना देगा, g बाई 2, और डायरेक्शन जाएगी इसकी ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये m है, चलो इस m का भी FBD बना देते हैं, m m पे ऊपर की तरफ तो स्ट्रिंग है, जैसे इसको कट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तो जीरो देगा, नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा है बताओ, mg लग रहा है, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ a हो जाएगा, am, तो am इक्वल्स टू कितना देगा बताओ, mg अपॉन m इक्वल्स टू g, डायरेक्शन जाएगी इसकी डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2m, 2m का हो जाएगा g बाई 2 अपवर्ड, और इसका हो जाएगा जी डाउनवर्ड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें, वी और एक्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, ब्लॉक का मास भी आपको गिवन है, एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 2 तक आपको क्या करना है, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो चलो वी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एक्स क्यूब। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पे वी कैलकुलेट कर दो, कितना देगा, वी इक्वल टू 1 आ गया, फिर एक्स इक्वल टू 2 पर आ जाओ, एक्स इक्वल टू 2 पर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वी इक्वल टू 2 की पावर 3, 8 आ गया, ठीक है। और वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यू नो इक्वल टू 1/2 m v2² - v1² 1/2 mass is given 2 kg, v2² 64 - 1, 2 cancel out by 2, आंसर विल बी 63 जूल, 63 जूल, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, देखो क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर 1-डायमेंशनल कंजर्वेटिव फील्ड इज शोन, फोर्स एट ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, आपको ए और बी पर जो फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। अभी अपन सब जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, -du/dr, -du/dr को क्या लिखते हैं अपन बताओ, टेन थीटा, ठीक है ना। अब ए पर आपको पता है कि स्लोप है वो कैसे, नेगेटिव है, तो ए पर अगर स्लोप नेगेटिव है तो अपन लिख सकते हैं कि फोर्स है वो क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव। बी पर देखो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, तो एफ कैसा हो जाएगा बताओ, नेगेटिव इंटू टेन थीटा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, समझ गए। तो ए पे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ये कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज गिव्स वाई इक्वल टू, देखो ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन है, x² - 4x है ये, ठीक है ना, उधर हिंदी में देख सकते हैं आप, ये यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हो गया इक्वेशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन विल बी, देखो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² - क्या हो जाएगा आपके पास में 4x हो गया, समझ गए बात आप। अब देखना ना, ऐसे देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि f को अपन जीरो करते हैं, f को जीरो करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो x² = क्या हो जाएगा बताओ, f 4x, तो x = क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपके पास में 4, तो एक तो x = 4 आ गया, और एक इसके अंदर अगर अपन x = 0 फुट करते हैं तो भी फोर्स जीरो देगा, तो x = अपन क्या कर देंगे, 0। ये दो पोजीशन हो गई जहाँ पे फोर्स जीरो देगा, और जहाँ पर फोर्स जीरो होता है वहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम तो होता है। अब इक्विलिब्रियम का टाइप अपन जानते हैं यहाँ पे, तो देखो ध्यान से x = 0 लिखते हैं, ये तो जाएगा आपके पास x = 0, ये तो x = 0 हो गया आपके पास, ठीक है। अब एक काम करना, अगर इसके अंदर आप x = -1 फुट करोगे, -1 पर फोर्स देखोगे, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू फुट कर दो, नेगेटिव वैल्यू फुट कर दो, तो x = -1 फुट करते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ, -1² कितना हो जाएगा बताओ, +1 - 4, x कितना हो जाएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस,
वन प्लस फोर कितना हो जाएगा बताओ, फाइव। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ, अगर माइनस वन है तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, फाइव न्यूटन का फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। और एक्स अगर आप प्लस वन पुट कर दोगे, प्लस वन, तो प्लस वन पे देखते हैं अपन क्या होता है, प्लस वन का स्क्वायर भी कितना देगा वन, और ये क्या देगा माइनस फोर, तो वन माइनस फोर कितना देगा माइनस थ्री। तो यहाँ पे फोर्स किधर की तरफ लग जाएगा बताओ, इधर की तरफ लग जाएगा। तो अगर इसको एक्स इक्व टू माइनस वन पे डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो फोर्स पॉजिटिव में लगेगा, और पॉजिटिव में डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो फोर्स नेगेटिव की तरफ लगेगा। इसका मतलब ये वाली पोजिशन आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसी प्रकार से एक्स बराबर फोर पर चलते हैं अपन, एक्स बराबर फोर पर, यहाँ पर भी फोर्स जीरो है, एक बार x बराबर थ्री फुट कर दो और एक बार इसके अंदर x बराबर आप फाइव फुट कर दो। चलो चेक करते हैं, तो x इक्वल टू थ्री देखते हैं अपन, तो चलो x बराबर थ्री फुट करते हैं, तो थ्री का स्क्वायर कितना देगा बताओ, नाइन, माइनस फोर इंटू थ्री कितना देगा बताओ, x का स्क्वायर कितना देगा बताओ, ये थ्री का स्क्वायर कितना देगा नाइन, माइनस फोर, और x कितना देगा बताओ थ्री, तो फोर इंटू थ्री कितना देगा ट्वेल्व, नाइन माइनस ट्वेल्व कितना देगा बताओ, माइनस का थ्री, तो माइनस का थ्री आ गया। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स देखोगे तो इस स्थिति में इधर की तरफ लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर फाइव फुट करते हैं अपन, ये तो देगा आपके पास x इक्व टू थ्री, ये अपन x इक्व टू फाइव पर फुट करते हैं, अभी फाइव फुट करते हैं क्या बनता है, देखो फाइव फुट करोगे तो देखो क्या बनता है, एफ इक्व टू फाइव का स्क्वायर कितना देगा ट्वेंटी फाइव, माइनस फाइव इंटू फोर कितना देगा अभी ट्वेंटी, समझ में आ गई बात। तो फोर्स अब वो क्या बन जाएगा बताओ, फाइव बन जाएगा, और फाइव क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है अभी। तो यहाँ पर फोर्स अब वो किधर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखना, देखो अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो फोर्स जीरो है एक्स बराबर जीरो पे, और यहाँ पर एक्स इक्व टू फोर पर भी फोर्स जीरो है। अगर पार्टिकल को अपन नेगेटिव में डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो फोर्स लगता है पॉजिटिव की तरफ, यानी इसको वापस मेन पोजिशन की तरफ लेकर के आ रहा है। अगर इसको एक्स बराबर वन पर ले जाके छोड़ते हैं तो फोर्स इसको वापस इधर की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे फोर्स कितना है भाई, जीरो है, ठीक है। इसको अपन फाइव पे ले जाके छोड़ते हैं तो फोर्स इसको पॉजिटिव डायरेक्शन भगा के ले जाता है, यानी वापस ये नहीं आ रहा, और नेगेटिव में डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो इस प्रकार से फोर्स इसको इधर की तरफ ले आता है। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो क्या देगा बताओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो x बराबर जीरो है ना, वही आपका केवल स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इस केस में अपना जो ऑप्शन फर्स्ट है वही करेक्ट आएगा अभी, ठीक है। तो x बराबर जीरो पे क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और x बराबर फोर पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा जा रहा है तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। शानदार क्वेश्चन है ये, समझ गए। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट्स मूविंग एंड एंगल ऑफ इंक्लाइन इंक्लाइन बिकम्स 30 डिग्री। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा होता है इसके अंदर, और टेन थीटा कितना होता है बताओ, वन बाई रूट थ्री। तो वन बाई रूट थ्री फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। ये कह रहा है कि व्हीकल और मास एम इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद मोमेंटम पी, एट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड बी म्यू, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बिफोर कमिंग टू रेस्ट विल बी। इसके अंदर आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलेगा, ये अपने पास में कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इसका मोमेंटम कितना है बताओ, पी आगे की तरफ। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ एक तो फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है बताओ, म्यू एम जी, ठीक है। यहाँ पर आकर के रेस्ट में आ जाता है, समझ गए, यहाँ पर आकर के रेस्ट में आ गया। तो इसका मतलब इसने डिस्टेंस कितने ट्रेवल किए बताओ, एक्स। तो फ्रिक्शन का वर्कडन कितना देगा, वर्कडन बाय फ्रिक्शन, ये देगा आपके पास माइनस का म्यू एम जी इंटू क्या देगा, एक्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो देगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल कितना देगा बताओ, पी स्क्वायर अपॉन क्या देगा बताओ, टू एम हो जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो एक्स बराबर क्या देगा बताओ, पी स्क्वायर अपॉन टू म्यू एम स्क्वायर इंटू क्या देगा, जी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं अपन। पी इक्व टू थ्री टी स्क्वायर बाई टू देर का मास कितना देर का ब्लॉक का, टू के जी। टी बराबर जीरो पर वी बराबर जीरो है, तो टी बराबर टू पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
चलिए अपन जानते हैं कि डब्ल्यू इक्व टू क्या होता है, सॉरी डब्ल्यू इक्व टू नहीं, पी इक्व टू पावर इक्व टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना, या इसको अपन बोल सकते हैं डी ई अपॉन डी टी। तो यहां से आपके पास डी ई इक्व टू क्या बन जाएगा, पी डी टी। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ, डी ई, डी ई का तो ई आ जाएगा क्योंकि इनिशियली जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ई आ जाएगी, इक्व टू पी, पी कितना हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर बाई टू, तो थ्री बाई टू टी स्क्वायर का क्या होता है टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री से थ्री को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या देगा आपके पास टी क्यूब डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, समझ गए। तो टाइम कितना देर का, टू देर का है, तो टू का क्यूब एट, एट बाई टू कितना देगा फोर, ये काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, तो फोर आ गया इक्व टू हाफ, मास आपको कितना देर का यहाँ पे ब्लॉक का टू के जी इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ से टू को कैंसिल आउट कर देंगे, वी इक्व टू कितना देगा टू मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो ध्यान से, ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज वाइल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्टोन इज एट लोवेस्ट पोजिशन एंड हैज ए स्पीड यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेज एट पोजिशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल इज। देखो यहाँ पे आपको चेंज इन स्पीड पूछ रहा है, अभी यहाँ पे इस प्रकार से सर्कल बना दो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अब वो कितनी आ जाएगी बताओ u, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगी u स्क्वायर माइनस टू जी एल, इसका रूट कर देंगे, इसको v1 बोल देते हैं और इसको अपन क्या बोल देंगे v2 बोल देंगे। चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो डेल्टा v इक्वस टू क्या बन जाएगा बताओ v2 माइनस v1 इक्वस टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू कॉस थीटा का रूट हो जाएगा। अभी वी वन स्क्वायर कितना देगा बताओ यू स्क्वायर, वी टू स्क्वायर कितना देगा यू स्क्वायर माइनस क्या देगा टू जी एल हो जाएगा, यू स्क्वायर कितना देगा टू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर माइनस कितना देगा टू जी एल, इसके बाद इसका अपन रूट कर देंगे, ठीक है ना। तो यही अपना आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है कि देखो ये रहा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा फिर आपका। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर अपन, क्वेश्चन नंबर 47। ए पार्टिकुलर मास एम इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ कॉन्स्टेंट रेडियस सच सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आपको गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ए सी इक्वल टू क्या देखा के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ए सी इक्व टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर इक्व टू क्या हो जाएगा बताओ के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, वी बराबर क्या हो जाएगा के आर इंटू टी, यू नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्व टू डी वी अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दोगे के आर टी का क्या बन जाएगा के आर, इसको अपन बोलेंगे के आर, टेंजेंशियल फोर्स निकाल दो एफ टी इक्व टू एम इंटू ए टी बराबर क्या देगा एम के आर, पावर आपको पूछ रखी है तो एफ इंटू क्या देगा वी, यहाँ पे टेंजेंशियल पावर ही लेते हैं टेंजेंशियल फोर्स लेते हैं अपन क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसका वर्कडन क्या होता है जीरो, पावर भी जीरो देगी, फोर्स हो जाएगा एम के आर और वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ यह हो जाएगी के आर टी, तो एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, तो एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्या करें, ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज फिल्ड कंप्लीटली विद इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास एम एंड क्लोज एट बोथ द एंड्स, द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द फोर्स एग्जिटेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज। देखो ये अपने पास ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर अपने लिक्विड भर का है, फिर उसके बाद में देखो ध्यान से लिक्विड भर का है, जैसे इसको अपन रोटेट करवाते
तो ये क्या करता है, इस बार वाले एंड पर क्या करता है, ये प्रेस रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर, फिर उसके बाद इसकी लेंथ कितनी देगी, डी एक्स हो जाएगी। इसके बाद में इस पर अपन इधर से फोर्स, इधर से फोर्स देख लेते हैं, ये फोर्स कितना देगा एफ, ये कितना देगा आपके पास एफ प्लस क्या देगा डी एफ हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में जो डी एफ है वो क्या बन जाएगा बताओ, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या देगा एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डायरेक्टली मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे अपन इतना टाइम अपने को नहीं मिलता कि अपन डेरिवेशन कर सके, और वैसे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टू, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों, दो क्वेश्चन और बचे हैं अपने, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है देखिएगा, ये कह रहा है एन इंजन पंप्स 100 केजी ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड, गिवन दैट द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 60%, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहां पर अपन निकाल लेते हैं पी आउटपुट। तो पी आउटपुट कितना देगा बताओ, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन टी। अब देखिएगा, मास आपको दे रखा है वाटर का 100, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी नो 10, हाइट कितनी दे रखी है अपने को 10 दे रखी है, और टाइम अपने को कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ये तो पी आउटपुट हो गया। अब एफिशिएंसी कितने दे रखी है अपने को बताओ, ये अपने को दे रखा है 60%, यानी 60/100। ये होता है आपके पास पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, पी आउटपुट की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देंगे, तो अपने पास में कैलकुलेशन करने से पी इनपुट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सोल्व कर लेना, सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए एज शोन इन फिगर, इफ एम एंड एल रिप्रेजेंट द मास ऑफ द वॉल्व एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम रेस्पेक्टिवली, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट बी। देखो सुनो ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स है उन्हीं का वर्कडन अपन काउंट करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो बॉब है पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पर आ गया, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। अब ये अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एल हो गया, ये एंगल 30 है, तो ये क्या हो जाएगा एल कॉस 30, ठीक है ना। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल कॉस 30, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रूट 3 एल बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एम जी एच को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 3 एल बाई 2। तो अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना मिड सेशन डीटीएस का पेपर नंबर 2, इसके कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चंस, सेक्शन ए इसके अंदर 35 क्वेश्चंस थे जो कि कंपलसरी थे, सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चंस थे जिनमें से 5 क्वेश्चंस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्किप कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने पेपर बहुत अच्छे से दिया होगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर बन रहा होगा, और आपने वीडियो सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।